एमएलए मंदा मात्रे ने फिर गरमाया ईटीसी का मामला, दिव्यांग विद्यालय की तरह चलाने और धांधली की जांच कराने की मांग। ₹2009 से चालू नई मुंबई मनपा का ये वही ईटीसी केंद्र है जिसे 2018 में राज्य सरकार ने दिव्यांग स्कूल की मान्यता दे दी थी, लेकिन महानगर पालिका ने आज तक इसका जीआर तक लागू नहीं किया है। नियमों के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों के शिक्षण संस्थान को स्कूल माना जाता है, लेकिन यहाँ की संचालिका और मनपा अधिकारी हैं कि इसे वैकल्पिक प्रशिक्षण केंद्र की तरह चलाने में जुटे हैं। बस सेवाएं बंद हैं और 4 घंटे की पढ़ाई सिर्फ 2 घंटे ही कर दी गई है। मंदा मात्रे ने कहा कि यह दिव्यांग बच्चों के साथ बड़ा अन्याय है, इसलिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नवी मुंबई महानगर पालिका की ईटीसी केंद्र करके दिव्यांग बच्चों के लिए एक वाशी में ईटीसी केंद्र बनाया है। वो ईटीसी केंद्र करके बच्चों को सुविधा प्राप्त नहीं होती थी, वो स्कूल है, वो स्कूल का दर्जा है, उसको सिडको ने स्कूल करके प्लॉट दिया है। कोई भी अधिकारी जब भी मीटिंग में आते थे तो अलग ही बात करते थे, नहीं नहीं ये केंद्र ही है, ये स्कूल नहीं है। मैंने सिडको का प्लॉट का भी एग्रीमेंट दिखाया कि ये स्कूल है, गवर्नमेंट का भी मैंने एग्रीमेंट बताया कि ये स्कूल है। आज इतना साल हो गए, देखो 2015 की लड़ाई आज भी मुझे लड़ना पड़ रही है, आज भी कानून तौर पर कुछ नहीं हो रहा है, जबकि जीआर निकला है फिर भी कुछ महानगर पालिका में सुधारना नहीं हो रही है। मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है, कोई संचालिका है या कौन है क्या है, उसे मुझे कुछ ये नहीं है। मेरा कहना है कि ये स्कूल है, उसको मुख्याध्यापक को बिठाओ और जो भी भ्रष्टाचार हुआ है उसकी इंक्वायरी करो, चौकसी करो, और उसमें से जो भी चौकसी हो उसके ऊपर कार्रवाई करो। ये मेरी तभी भी मांग थी और अभी भी मेरी मांग है। गौरतलब है कि कई सालों से इस ईटीसी सेंटर में धांधली और संचालिका वर्षा भगत की मनमानी के खिलाफ विधायक मंदा मात्रे आवाज उठाती रही हैं। उन्होंने अब तक के मनपा आयुक्तों तुकाराम मुंडे, एन रामास्वामी और एबी मिसाल सबको शिकायत भी दी है, लेकिन किसी ने भी इसके खिलाफ कोई जांच और कार्रवाई नहीं की। मंदा मात्रे ने कहा कि सब अधिकारी ईटीसी की धांधली को छुपाना चाहते हैं, लेकिन वे चुप नहीं बैठेंगी। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर अब भी जांच और कार्रवाई नहीं हुई तो वे अधिवेशन में इसका मुद्दा उठाएंगी और दिव्यांग बच्चों को न्याय दिला कर रहेंगी। आपल्या माध्यमातून मी परत ही लढाई करायला उतरलेले की संबंधित जे अधिकारी आहेत त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे, त्या टेंडरचं सगळी चौकशी झाली पाहिजे, आतापर्यंत घेतलेलं मानधन हे पालिकेला परत मिळालं पाहिजे, आणि ही सगळी आता मी आलेले नवीन आयुक्त आहे त्यांच्याकडे मागणी करणार, आणि ही मागणी जर पूर्ण झाली, दिव्यांग मुलांना जर सगळं न्याय मिळाला नाही, तर येणाऱ्या अधिवेशनात मी आवाज उठवणार आहे। या राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे साहेब असतील, तत्कालीन त्यावेळेचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस असतील ज्यांनी हा न्याय दिलेला, ते आज विरोधी पक्षनेते या सगळ्यांना भेटून यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करणार आहे। ब्युरो रिपोर्ट, टीव्ही वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीव्ही वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।